नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बैठक आरजेडी विधायक दल की संपन्न हुई है। उसके बाद सभी जो विधायक हैं वो बाहर निकल रहे हैं, आवास से बाहर। तस्वीर देखिए, जगदानंद सिंह आरजेडी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उसके बाद क्या कुछ मीडिया से बात कर रहे हैं, आप भी जरा सुनिए। राष्ट्रीय जनता दल की पूरी बिहार की जनता साथ खड़ी हो रही है, तो निश्चित रूप से ऐसे लोग जिन लोगों ने सामाजिक न्याय की ताकतों को धोखा दिया है उनके खिलाफ लोग गोलबंद हो रहे हैं, क्योंकि उनके 2015 के जनादेश का जिन्होंने अपमान किया है वो अपमानित महसूस कर रहे हैं और फिर से उस सम्मान को वापस लेने के लिए कटिबद्ध हैं। तो निश्चित जो हमारे दूसरे साथी हैं जो समझते हैं कि श्री नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम नहीं किया, वो सब अपने घर पे वापस आ जाएंगे। प्रतिपक्ष के नेता सदन में तेजस्वी जी ने कहा, लोगों से और विधायक सभी विधायक साथियों को आश्वस्त किया, जो रूपरेखा आज खड़ी है हमारे सामाजिक न्याय के तहत राष्ट्रीय जनता दल का, सभी साथी एकाग्र होकर के इसकी स्वीकृति देकर परिश्रम मेहनत करेंगे तो 2020 की सरकार बनेगी राष्ट्रीय जनता दल की, कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पाएगी। विपक्ष भी घबराया हुआ है कि राष्ट्रीय जनता दल ने जो ये प्रयोग करके सामाजिक न्याय के तहत सबों को अवसर जो देने का काम किया है राजनीति में, राजनीतिक ढांचे में, यही ढांचा हमारा आगे भी बनेगा विधानसभा से लेकर लोकसभा तक, और इसी ढांचे को लेकर के हम 2020 का ही केवल चुनाव नहीं लड़ेंगे बल्कि इस ढांचे को लेकर हम आगे भी बढ़ते रहेंगे, ताकि समाज का हर वर्ग और समूह विश्वास करे कि जो लालू प्रसाद जी से कहा जाता है करने के लिए और लालू प्रसाद जी जो कहते हैं लोगों को करने के लिए, सबों में एक रूपता है। अन्य दलों में, राष्ट्रीय जनता दल में यही अंतर है। आज सभी साथियों ने एकमत होकर के जो कल घोषणा हुई है उसकी स्वीकृति दी है और उसे योगदान और उसे सहयोग करने का आश्वासन दिया। चूंकि उन्हें क्या मार्गदर्शन देना है, क्या कहना है, आज उसके लिए तो अनुभवी साथियों की बैठक हुई। कल हमारे राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और प्रधान महासचिवों की बैठक होगी और उसके एक दिन बाद जो राष्ट्रीय समिति, जो राज्य की समिति बनेगी, जो उसके पदाधिकारी बनेंगे उनकी बैठक हमारी होगी। कौन है ये कल हो जाएगा चाहे आज हो जाएगा, उसकी तैयारी चल रही है। मैं समझता हूँ आप सब व्यग्र हैं राष्ट्रीय जनता दल के बढ़ते हुए कदम के साथ स्वीकृति दे करके बिहार की जनता को बताने के लिए, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग की व्यग्रता से हम लोग को राह मिलता है कि हम लोग करीब कार्रवाई करें। जो है आपका जो है वो नाराज चल रहा है, जो जिस मूल वोटर्स हैं आपके उनके जो सांकेतिक तौर पे जो उनके जिलाध्यक्ष चुने जाते थे उन लोगों के नाम हटने से लालू यादव के पुराने पिलर थे, एक बड़ा नाराजगी उन लोगों से मिल रही है। मुझे लगता है कि आपको कहीं से गलत सूचना है और एक बार भूलिए मत, हमारा आधार है 90, हमारा आधार है 95। यदि कोई उससे अलग हटा है, हमारे उस आधार का वो हिस्सा और अंश रहा है, इसलिए आधार वोट आप किसको कहते हैं, सोशल जस्टिस हमारा आधार है सबों को मान और सम्मान देने का, इसीलिए आधार का सम्मान करते हुए सबको विस्तार किया गया है और उस विस्तार से सभी लोग सहमत हैं। मैं नहीं समझता हूं कि लालू जी के इस फैसले से कोई बिहार में असहमत है। जो जेडीयू के एमएलसी मिले हैं लालू जी, सब क्लियर है। आज विधायक दल की बैठक थी, कल जिला अध्यक्ष और उनके साथ प्रधान महासचिव की घोषणा हुई थी आप लोगों के माध्यम से। पूरे बिहार के जो राष्ट्रीय जनता दल के साथी थे, आप लोगों की कृपा हुई कि ये सूचना हर कार्यकर्ताओं तक आपने पहुंचाया कि जिले का अध्यक्ष कौन है और जिले का प्रधान महासचिव संगठन का कौन है। आज सारे विधायक दल के सभी एक एक सदस्यों ने तारीफ की शुरुआत की कि आदरणीय लालू जी को जिम्मेवारी जो दी थी दल के कार्यकर्ताओं ने दल के संगठन को तैयार करने का, उन्होंने
सामाजिक समीकरण की स्वीकृति और जो सामाजिक समीकरण सोशल जस्टिस का आदरणीय लालू जी का रहा है शुरू से, उसके तहत संगठन का विस्तार हुआ है। हर विधायक साथियों ने उसकी प्रशंसा की और उनके समक्ष ये बात रखी गई, बहुत लोग नए आए हैं और नए साथियों को सबका सहयोग चाहिए। विधायक दल के प्रत्येक साथियों ने कहा, अपने पूरे अनुभव के साथ उन्हें मार्गदर्शन देंगे और उस मार्गदर्शन के तहत पूरी संगठन की रूपरेखा खड़ा कर आगे की तैयारी जो हमारा 2020 में चुनाव का होने वाला है उसके लिए सभी लोग प्रयास करेंगे। तो आपने सुन लिया है, जदानंद सिंह ने साफ साफ कह दिया है कि लालू प्रसाद यादव ने जिस तरीके की सूची तैयार की है, जितने जिलाध्यक्षों का नाम चयन किया है, उन्हें मनोनीत किया है, उससे पूरी आरजेडी की जो परिवार है वो खुश है। और जहाँ तक बात रही जेडीयू की मेल मिलाप की आरजेडी के साथ, तो जो लोग सामाजिक न्याय पर भरोसा रखते हैं वह ज़रूर आरजेडी का साथ देंगे। आम जनता भी आरजेडी का साथ दे रही है, ऐसा कह रहे हैं आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह। मीटिंग के बाद लाइव सिटीज देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।